सेंटर पॉइंट ऑफ नॉर्थ गोवा, जहां पर स्पेशल पर्यटकों की भीड़ लगती है। तो आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जो कि गोवा आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप इस बीच को देख रहे हो, बीच का मौसम, बीच का व्यू, बीच पे लोग और बीच पे जो हरियाली और साथ ही साथ सी वेव्स दिख रही हैं, ये देख के आपका मन खुश हो जाएगा। तो ये बीच बागाटोर बीच है नॉर्थ गोवा का, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगती है वो कौन सा जगह है, चलिए मैं आपको चल के बताता हूँ। तो अब मैं बीच से बाहर आ गया हूँ और बाहर आके आपको नॉर्थ गोवा की सेंटर पॉइंट को दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बची है। आप देख रहे हो कि कितने टूरिस्ट यहाँ से आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको ऊपर चल के पूरा व्यू दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बीस्टिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बेस्ट प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, या फिर ये कहें फेमस प्लेसेज ऑफ गोवा, बीस्टिंग प्लेसेज ऑफ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ गोवा, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं और ये वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। तो जहाँ पर मैं आपको अभी ले चल रहा हूँ ये है गोवा का चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट पर इंडियन मूवी दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी और इसके साथ ही साथ इसी के नीचे बागाटोर बीच है और सेंटर पॉइंट है ये किसका, नॉर्थ गोवा का। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर आप अरम्बुल बीच साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर, और अगर आप बागा बीच, पंजिम सिटी जाना चाहेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो पब्लिक क्या करती है, यहीं पर चपोरा फोर्ट एंड बागाटोर बीच आस ही पास है। ऊपर से अभी आपको नीचे जाएंगे, ऊपर से अगर देखेंगे तो नीचे आपको बागाटोर बीच दिख जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, इसलिए जो अच्छे पर्यटक हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टूरिस्ट आते हैं तो यहीं पर स्टे करते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट होने के साथ साथ यहाँ पर रूम सस्ते एंड अच्छे भी मिल जाते हैं और गोवा की सारी नाइट पार्टीज इसी एरिया में होती है, सीक्रेट नाइट पार्टीज भी। तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, सनसेट का समय है और वो जो दिख रहा बाउंड्री जैसा ना, ये फोर्ट की दीवार है जो कि किसने बनवाया था, पूरी हिस्ट्री है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको कि कैसा व्यू दिखता है। ये यहाँ पर लोग यहाँ पर शूटिंग एंड वीडियोग्राफी करने आते हैं। तो मिलते हैं गोवा के एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।